हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 15th of September 2022। एससीओ की समिट शुरू हो गई है। 2 दिन की समिट में सबकी नज़र बनी हुई है कि क्या बात हो रही है। रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बीच, क्योंकि उधर रशिया और यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी हुई है और कई फ्रंट पे अब तो यूक्रेन हावी होता जा रहा है रशिया पे। इधर चाइना और ताइवान में तनातनी बनी हुई है। ऐसे में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एससीओ का मीट। तो ये हो रहा है कहाँ पे, उसकी जानकारी और बेसिक जानकारी नजर बनाए रखिएगा इस न्यूज पे। साथ में आज के हाइलाइट्स में हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने क्या कहा जिससे पूरी दुनिया उसकी तरफ अभी नजर लगाए हुए है। इधर उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक नया चीज लाया गया है और फॉर्मूला वन में इटालियन ओपन में कौन जीता है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है कि वेन्यू ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 कहाँ शुरू हुआ है, आज ही स्टार्ट हुआ है ये, कौन सी जगह पे। तो ऑप्शन से आपका उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया या रशिया। तो राइट आंसर है ए, उज्बेकिस्तान, जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं और बाकी भी डिग्नेटरीज वन बाई वन वहां पहुंच रहे हैं और अब मीटिंग शुरू ही होने वाला है। टेकअवेज देखते हैं। लॉन्च इन शंघाई इन जून 2021, यानी ये जो एससीओ जो ग्रुप है ये शुरू हुआ था शंघाई में। शुरू में इसके 8 मेंबर्स थे, फुल मेंबर्स, और बाद में 2 मेंबर और इसको ज्वाइन किए 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान। इस तरह से अभी 10 परमानेंट मेंबर है यहाँ। द लास्ट इन पर्सन एससीओ समिट वॉज हेल्ड इन किर्गिस्तान इन 2019, क्योंकि उसके बाद कोरोना का प्रकोप से सब मीटिंग सब हेल्ड अप कर दी गई थी और अब उतने साल के बाद 19 के बाद अब जाकर के 3 साल के बाद इन पर्सन ये समिट होने जा रहा है। और दुनिया में अभी 2 फ्रंट पे एक जगह लड़ाई छिड़ी हुई है यूक्रेन और रशिया में, और दूसरी तरफ एकदम हाइट पे है चाइना और ताइवान का टसल। इस बीच में ये मीटिंग हो रही है तो पूरी दुनिया इसकी तरफ नजर लगाई हुई है किसमें हो क्या रहा है। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है जान लीजिए, झैंग मिंग। अगला पॉइंट, जी हाँ, ये 3 लोग हैं जिन पर काफी नजर बनाए रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फार्म आईडी सिमिलर टू आधार नंबर टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के फार्मर्स को एक आधार जैसा एक कार्ड दिया जाएगा जिससे उनको कई तरह की और सुविधाएं मिलेगी। किस राज्य में शुरू हुआ है, तो राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। टेकअवेज में यूपी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ यूनिक फार्म आईडी सिमिलर टू आधार नंबर टू द फार्मर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज विल बिल्ड अ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो राइट आंसर है इसका लोथल। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये वो साइट था जो गुजरात में है अभी, लोथल, जहां से मैरिटाइम एक्टिविटीज हुआ करता था उस समय के मेसोपोटेमिया से, राइट। क्योंकि दोनों जगह इधर गुजरात के पास भी ऐसे सील्स मिले, मेसोपोटेमिया जो कि इराक है इस समय, वहां भी सिमिलर टाइप के सील्स मिले। टेकअवेज देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज बिल्डिंग द नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल इन गुजरात विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा ही ये यूनिक सा एक न्यूज आया है अभी कि विच स्टेट विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैच फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2022। पहली बार यहाँ होगा, त्रिपुरा, सिक्किम, आसाम या अरुणाचल प्रदेश, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होने वाला है और 3 नए स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा न्यूज है और देखते हैं कौन सा स्टेट में ये होने वाला है। राइट आंसर है बी, दैट इज सिक्किम। और यहाँ पर टेकअवेज देखते हैं, सिक्किम विल होस्ट रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2022। द स्टेट विल वेलकम 3 नॉर्थ ईस्टर्न टीम्स, मिजोरम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश एट द माइनिंग क्रिकेट ग्राउंड नियर रैंगपो। तो रैंगपो में ये होने वाला है और अभी जो रीनिंग चैंपियन है, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, वो है मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश पहली बार ये चैंपियन बना था और हराया था किसको, 41 टाइम चैंपियन मुंबई को। सो 2021 का जो रीनिंग चैंपियन है रणजी ट्रॉफी का, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट फॉर्मूला रेस से एक न्यूज आ रही है, हु हैज वन इटालियन फॉर्मूला वन ग्रांप्री 2022।
इटालियन ग्रांड प्री 2022 कौन जीता इनमें से? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, मैक्स वर्स्टैपेन, ये रहे वो। रेड बुल्स ड्राइवर, तो ये कौन सी कंपनी की कार चलाते हैं? वो है रेड बुल। सो रेड बुल्स ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन हैज वन द इटालियन फार्मूला 1 ग्रांड प्री। फेरारी चार्ल्स लेक्लेयर एंड मर्सिडीज जॉर्ज रसेल केम एट द सेकेंड एंड द थर्ड पोजिशन रेस्पेक्टिवली। अगला पॉइंट आता है, अभी तुरंत ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है, श्रीलंका क्रिकेट टीम वन द एशिया कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल। सो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, और माफ कीजिएगा यहाँ करेक्ट आंसर ऑलरेडी इस जगह पे दिया हुआ है, फिलहाल हम देखते हैं क्या होगा। राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ था, एनीवेज राइट आंसर बी है, दैट इज पाकिस्तान। श्रीलंकन क्रिकेट टीम गिफ्टेड द आइलैंड नेशन जॉय एंड सिक्स्थ एशिया कप टाइटल एज दे डिफीटेड पाकिस्तान बाय 23 रन्स इन द फाइनल्स इन दुबई। तो कहां पर यह हुआ, वेन्यू क्या था? दुबई। फाइनल से पहुंचे श्रीलंका एंड पाकिस्तान, जीता कौन? श्रीलंका। किसको हराए वो? पाकिस्तान को, राइट। इंडिया विल विद 7 टाइटल्स, तो अभी तक सबसे ज्यादा बार इंडिया ने इस टाइटल को जीता है 7 टाइम्स, और उसके बाद ये श्रीलंका ने 6 बार इस टाइटल को जीता है। अगला पॉइंट आ रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे एवरी ईयर ऑन धनवंतरी जयंती एंड दिस ईयर इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। इस साल ये कहां होने जा रहा है? आयुर्वेद डे कितने तारीख को होगा? और राइट आंसर है बी, दैट इज 23rd ऑफ अक्टूबर, अगले महीने होने वाला है। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेलिब्रेट्स आयुर्वेदा डे एवरी ईयर ऑन धनवंतरी जयंती एंड दिस ईयर इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 23rd ऑफ अक्टूबर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम सेतु। सेतु नाम का एक प्रोग्राम है और इसको लॉन्च किया इन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में। व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन सेतु? ये चार ऑप्शन है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एंटरप्रेन्योर्स। थोड़ा इसका डिटेल समझ ले वो जरूरी है इसको क्लियरली इस पॉइंट को जानने के लिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जो यहाँ दिख रहे हैं हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम सेतु। इसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग एंड दिस वॉज लॉन्च इन सैन फ्रांसिस्को US। अगला पॉइंट आ रहा है, विच मंथ इज रिकोगनाइज एज इंटरनेशनल पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको शॉर्ट में कहते हैं PCOS अवेयरनेस मंथ। ये चार ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज सितंबर। द मंथ ऑफ सितंबर इज रिकॉग्नाइज एज इंटरनेशनल PCOS अवेयरनेस मंथ। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम दैट इज PCOS इज अ कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इन वेमेन दैट इज ऑल्सो द लीडिंग कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री पास अवे अ लॉ अलाउिंग इट सेल्फ टू कैरी आउट अ प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक, यानी इस कंट्री ने ये कहा है कि अगर उस पर थोड़ा भी खतरा हुआ तो ये न्यूक्लियर बम चला देगा, पहले से कुछ भी नहीं बताएगा। ऑप्शन है आपके पास रशिया, नॉर्थ कोरिया, जापान एंड ईरान एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, नॉर्थ कोरिया। किंग जोंग यहाँ के प्रेसिडेंट, ये दिख रहे हैं आपको, टेक अवेज देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया हैज पास्ड अ लॉ अलाउिंग इटसेल्फ टू कैरी आउट अ प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक। The status of nation as a nuclear weapon state has become irreversible with the new law. Capital यहाँ पे Pyongyang है, North Korea का, और supreme leader यहाँ के Kim Jong Un, जिनका फोटो यहाँ पर देख रहे हैं। अब आज के last point पर पहुँच गए हैं, जो important, बहुत important है ये, क्योंकि किसी ने तो सोचा transgenders के बारे में। So which of the following small finance bank has launched a rainbow savings account exclusively for the transgender community, और इसमें उनको थोड़ा एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो ये चार ऑप्शन है आपके पास, तो कौन से बैंक ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये शुरू किया है, और लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इन्होंने शुरू किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए रेनबो सेविंग्स अकाउंट। टेक अवेज है यहाँ, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग लिमिटेड हैज लॉन्च a rainbow saving account exclusively for transgender community. The rainbow saving account scheme comes with a high interest rate and advanced debit card facilities.
सो उसमें कई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज इनको मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस तरह से आज का हमारा ये कंप्लीट होता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई बिलीव हमने इंक्लूड कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।